हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। माँ लक्ष्मी के हाथ हो, माँ सरस्वती के साथ हो, भगवान गणेश की निवास हो और माँ दुर्गा की आशीर्वाद से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी दशहरा दोस्तों। हेलो गाइस, दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं दोस्तों? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम भुवनेश्वर जाएंगे क्योंकि जो दशहरा मेढ़ है हम नहीं देखा है, तो मेरी बाबा मम्मी ने बुलाया है, आओ हम मिलकर घूमेंगे। तो हम अब यहाँ से निकलेंगे, चार बजे तक निकलेंगे यहाँ से ट्रेन में, नानो ट्रेन में। और इसके लिए मैं सुबह की सारे काम, पूजा विधि, घर की सफाई हो गया है, तो अब लंच थोड़ा बना लिया है। सिंपल सी हम चावल, हमारा फिश फ्राई और माछा बेसन बना लिया है, सिंपल फटाफट भी डिश बना लिया है। तो यहाँ पर हम लंच करके यहाँ से हम 3:30 बजे तक निकल जाएंगे स्टेशन तक। और अब हम यहाँ से निकले, घर से निकलने के लिए मैं ऑटो आ गया है, हम ऑटो में निकल चुके हैं। तो हम अब स्टेशन जाएंगे, स्टेशन के टिकट लेकर हमारी भुवनेश्वर नानो ट्रेन में हम जाएंगे। तो ट्रेन अभी थोड़ी लेट है, 4:30 में आएगा। तो खाऊ रखे सब तो दोस्तों हम यहाँ से, भाई ने बहुत ही टेस्टी रोल मंगाया है, तो हम यहाँ पर रोल खाकर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों हम अब निकल चुके हैं, तो बहुत जोर बारिश होने के कारण हम एक स्टॉपेज पर रुक गए हैं। तो थोड़ा बारिश रुक जाने के बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो भुवनेश्वर को पूरे लाइट से सजाया गया है, जिधर देखो पूरा कलरफुल लाइट, बहुत ही सुंदर लगे हुए भुवनेश्वर। दोस्तों हम अब भुवनेश्वर की स्टेशन बाजार पहुंच गए हैं और देखो गेट, इतनी सुंदर गेट को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों हम अब अंदर एंट्री कर चुके हैं और जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर है, हमारी जो वाराणसी के गंगा घाट है ना, ऐसे डिज़ाइन किया गया है। और इसकी कारुकार्य बहुत सुंदर है और इसके डिज़ाइन जो हमारी किए है वो कारीगर कोलकाता से आए हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, पूरा नेचुरल। भीतर की एंट्री दोस्तों, जैसे हमारी पुरानी मंदिर की डिज़ाइन है ना, ऐसे किया गया है। और माँ की दर्शन करके दिल को इतना सुकून मिला, माँ की भव्य दर्शन हुए दोस्तों। और माँ की जो मुकुट है ना, हमारी प्योर रूपा की है, और उनकी सारी ज्वेलरी
हमारी गोल्ड से सोना से जैसे बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भीड़ है। दोस्तों हम अब स्टेशन बाज़ार से निकलकर झारपड़ा में पहुंच गए हैं। और ये भी एक हमारी बहुत ही फेमस दुर्गा माँ की पेंडल है। डिज़ाइन है पेंडल की बहुत ही सुंदर है। तो चलो अब हम माँ के दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और भीतर की डिज़ाइन, अंदर की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, और जो ऊपर की डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है। और माँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और उनकी जो मुकुट है ना दोस्तों, वो प्योर रूपा की है, सिल्वर की है। और ये ऊपर की डिज़ाइन भी है, बहुत ही लाइट से बहुत ही अच्छी काम किया हुआ है। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, सारे डिज़ाइन। तो दोस्तों हम अब तीन जगह घूम चुके हैं, स्टेशन बाज़ार, हमारा झारपड़ा और बोमीताल। और अब हम आ चुके हैं रसूलगढ़ को। और इसके डिज़ाइन आप जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा दिल्ली की अक्षरधाम जैसा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही काम बहुत अच्छा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं देखने के लिए।
बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है, फिर भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों रात की अब 1 बज चुका है, तो अभी भीड़ कम नहीं है, तो हम अब रूपाल स्क्वायर पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस पैंडल की डिज़ाइन एक पैलेस की तरह डिज़ाइन किया गया है, जो हमारी जो राजप्रसाद जैसा है ना, वैसा ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल है पूरा राजप्रसाद। माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों, और इस कमेटी पूजा कमेटी की यही खासियत है कि ये जो माँ की मुकुट है प्योर गोल्ड की है, और जो माँ की तोरण है ना पीछे वाला, वो कोई भी जरी भी नहीं, वो ओरिजिनल हमारी सिल्वर से काम किया हुआ है, और माँ की सारे ज्वेलरी भी गोल्ड की है और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो रात की 2 बज चुका है, हम पूरा टायर्ड हो गए हैं, सारे पंडाल घूम चुके हैं, और एक बाकी है दायापुली का, तो देखते हैं देख पाते हैं या नहीं। और आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।